हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएनआईपी के वीपीएड 4 इयर्स कोर्स के बारे में जो कि 12th क्लास के बाद होता है। हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन वीपीएड 4 इयर्स कोर्स कर सकता है, उसकी एज लिमिट क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल कितनी सीट्स हैं दोनों ही सेंटर्स में, जैसा कि आपको पता है कि एलएनआईपी के दो सेंटर्स हैं, ग्वालियर में है, गुवाहाटी में है, तो दोनों में कितनी कितनी सीट्स हैं। टोटल फीस कितनी पे करनी होगी आपको, मतलब फीस स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो, और फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अगर सिलेक्शन लेना है आपको तो क्या क्या करना होगा। सिलेक्शन के 3 कंपोनेंट्स हैं, रिटन एंट्रेंस टेस्ट होगा, स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इन तीनों की डिटेल भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं, लास्ट डेट है आपकी 5th April 2024 अप टू 9:50 PM। 5 अप्रैल 2024 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिसमें अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ ये एक्सटेंडेड डेट है, 2 बार डेट्स एक्सटेंड हो चुकी है, पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद हो सकता है कि भाई डेट एक्सटेंड ना हो, तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए 5 अप्रैल तक। आपको पता होना चाहिए कि एलएनआईपी का जो रजिस्ट्रेशन है, जो एडमिशन प्रोसेस है, वो सीयूईटी यूजी के थ्रू होगा। तो सीयूईटी यूजी केवल रिटन टेस्ट कराएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। उस रिटन टेस्ट के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो एलएनआईपी खुद कंडक्ट कराएगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है, सीयूईटी यूजी वाली वेबसाइट पर जाकर के, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की बात आपको पता चल गई है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करेंगे तो आपने 12th क्लास कर रखी हो, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। और ध्यान रखना है, इसमें यह मैटर नहीं करता कि आपने कौन से स्ट्रीम से 12th क्लास किया है। आपने चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, आप एलिजिबल हैं अगर आपके इतने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट की अगर बात की जाएगी तो आपकी मैक्सिमम एज 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1st July 2024। ध्यान रखिएगा ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स 24 साल तक भी बीपीएड कर सकते हैं, और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब वो 26 साल तक भी बीपीएड करने के एलिजिबल हैं। तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस एज लिमिट के बारे में भी बता दिया है। अब हम बात करते हैं टोटल सीट्स की। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एलएनआईपी ग्वालियर और गुवाहाटी दोनों सेंटर्स में कितनी कितनी सीट्स हैं। तो दोनों सेंटर्स में 100 सीट्स हैं, 100 ये एक में नहीं है, अलग अलग दोनों में है, 100 ग्वालियर में, 100 गुवाहाटी में, और 10 सीट्स ईडब्ल्यूएस की भी हैं ग्वालियर में और 10 गुवाहाटी में भी हैं। इनके अलावा आपको कश्मीरी माइग्रेंट्स की भी 5 सीटें दिख रही हैं, मेल और फीमेल की, और एलएनआईपी का जो वार्ड कोटा की सीट्स होती हैं वो भी आपको 3-3 सीटें दोनों में दिख रही हैं, ग्वालियर और गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये टोटल सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल का रेशियो भी यहाँ पर फिक्स है 70:30। तो टोटल सीट्स के बारे में आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। अगर आपका एलएनआईपी में एडमिशन हो जाता है तो आपको टोटल कितनी फीस का पेमेंट करना होगा। फीस होगी आपकी टोटल 61,000 होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर के। पार्ट ए में आपकी ट्यूशन फीस और अदर जितनी भी फीस हैं वो सब कुछ है, जिसको 28,500 मिलाकर के हो जाता है, और हॉस्टल फीस और मेस फीस मिलाकर के 32,500 हो जाता है, जिसे मिलाकर फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फीस होगी 61,000। उसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर की फीस आपकी कितनी होगी, 52,600। तो एक साल की फीस आपकी अगर हम देखें तो कितनी बन जाएगी, 1,13,600 आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी एलएनआईपी में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इंडियन स्टूडेंट्स की फीस मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स की फीस ज्यादा है जो कि आपको दिख रही है। तो अगर आप किसी अदर कंट्री के स्टूडेंट हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट में फीस पे करनी होगी, ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और बात ध्यान रखेंगे, एलएनआईपी में जो हॉस्टल फीस है और मेस फीस है आप उससे एक्सक्लूड नहीं हो सकते हैं बीपीएड कोर्स में, क्योंकि एलएनआईपी में कंपलसरी है आपका हॉस्टल में रहना, ये एक रेजिडेंशियल कोर्स है और शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो इस वजह से हॉस्टल में ही आपको रहना पड़ेगा। आपके पास ऐसी चॉइस नहीं होगी कि आप कहें कि नहीं मैं तो बाहर रह लूंगा और खुद अपना हॉस्टल लूंगा या अपना मेस लूंगा, नहीं,
आपको एलएनआईपी में रहना होगा, वहीं की मैथ्स का यूज करना होगा और वहीं पर रहना होगा, और इतनी ही फीस आपको देनी होगी। ठीक है, तो फीस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको एलएनआईपी में एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सिलेक्शन के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहला होगा आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए कंडक्ट कराएगा, जिसका नाम है CUET UG, जिसमें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होगा। इसका वेटेज कितना होगा? 40% इसका वेटेज होगा आपके फाइनल मेरिट के अंदर। इसके बाद आपका क्या होगा? स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब किसी भी गेम में आपकी स्किल टेस्ट को कराया जाएगा। स्किल टेस्ट का वेटेज कितना होगा? 60% होगा। उसके बाद आपका क्या होगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट का कोई वेटेज तो नहीं है, ये फाइनल मेरिट में तो काउंट नहीं होता है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर में है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते तो आपके रिटर्न में या स्किल टेस्ट में कितने ही अच्छे मार्क्स हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट को भी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये तीन कॉम्पोनेंट है, इन तीनों के बारे में मैं आपको वन बाय वन एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। तो ये देखिए रिटन टेस्ट की डिटेल्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आपका जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट है वो एनटीए कंडक्ट कराएगा। CUET UG वाला टेस्ट होगा आपका, जिसमें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का होगा। टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, सिलेबस की अगर बात की जाए रिटन टेस्ट की, तो ये सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारा बैच भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, इस सिलेबस को पूरा कवर कराया जाएगा। तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं रिटन टेस्ट की या आगे के जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड गाइडेंस के बारे में, तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, फाइनल मेरिट में रिटन टेस्ट का जो वेटेज है वो 40% होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब किसी भी गेम के स्किल टेस्ट आपको कराया जाएगा। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कौन कौन से गेम में आप अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं। तो एलएनआईपी ग्वालियर में कौन कौन से गेम्स हैं? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, रेसलिंग और योगा। इसी तरह से एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी की अगर बात की जाएगी, तो गुवाहाटी सेंटर्स पे कौन कौन से गेम्स हैं? आर्चरी है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल और योगा। ये कुछ लिस्टेड गेम्स हैं दोनों ही सेंटर्स में। ध्यान रखिएगा, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ग्वालियर में अपना टेस्ट दे सकते हैं, चाहें तो गुवाहाटी में अपना टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ग्वालियर में ही देना है या गुवाहाटी में ही देना है, वो आपकी मर्जी है। जैसे आर्चरी है, तो अब आर्चरी में तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आर्चरी केवल गुवाहाटी में होता है, तो उस कंडीशन में आपको गुवाहाटी ही जाना पड़ेगा। या साइकिलिंग की अगर बात की जाएगी, तो साइकिलिंग का भी केवल गुवाहाटी में है, ग्वालियर में नहीं है, तो आप लोग अपना दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी तो आप जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो केवल रिटन टेस्ट के लिए होगा। जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, तो एलएनआईपी में आपको जा करके अपना स्किल टेस्ट देना होगा और फिजिकल टेस्ट देना होगा, और उसके लिए आपको पहले ही एक और फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको फीस का पेमेंट करना होगा। अराउंड 1000 है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी फीस का आपको बाद में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी नहीं, बाद में कराना होगा, और कब और कैसे कराना होगा वो मैं आपको उस समय बता दूंगा। ध्यान रखिए, अगर आपका जो गेम है वो इस लिस्ट में नहीं है, तो आपको दूसरे किसी उसमें देना पड़ेगा, लेकिन देना इसी लिस्ट में से है। वो आपके ऊपर है कि आपको किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट शो करना है कि उसी गेम में आप दे सकते हैं जिसका आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, ऐसा भी नहीं है। आपकी मर्जी है, आप जिसमें देना चाहें उसमें दे सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिस गेम की स्किल टेस्ट आप सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, आप केवल उसी में ही दीजिएगा, और उसी की तैयारी भी रखिएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा ज्यादा आप मार्क्स ला सकें, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 60% है, और 60% बहुत कुछ चेंजेस लेकर के आ सकता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको स्किल टेस्ट के बारे में बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग है, इसका कोई वेटेज फाइनल मेरिट में नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है और इसको सीरियसली लेना है आपको।
लास्ट ईयर क्या हुआ था या लास्ट टू लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुए थे केवल फिजिकल टेस्ट की वजह से, जबकि उनके रिटर्न में भी अच्छे थे, स्किल में भी अच्छे थे, लेकिन फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने स्किल तो दिया था लेकिन फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया, तो वो वहीं ही डिस्क्वालिफाई हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, फिजिकल टेस्ट को भी सीरियस लेना है। मैं बता देता हूँ फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है। ये देखिए, चार कंपोनेंट्स होंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। पहला है आपका 50 मीटर स्प्रिंट, दूसरा होगा आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, तीसरा होगा आपका ओवरहेड बैक थ्रो, और चौथा टेस्ट होगा आपका 1000 मीटर रन और वॉक टेस्ट। इसको क्वालिफाई करने के लिए अगर मार्क्स की बात की जाएगी तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। अगर 60% आपके नहीं होते यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी एनसीएल में, तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। और एससी एसटी कैटेगरी में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब ये मार्क्स किस हिसाब से अलॉट किए जाएंगे, तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 50 मीटर स्प्रिंट के लिए क्या नॉर्म्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, कितने समय में आप 50 मीटर स्प्रिंट करेंगे तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। तो आप कोशिश करिएगा मिनिमम टाइम में कवर करें 50 मीटर स्प्रिंट, ताकि ज्यादा मार्क्स आपके आ सके। इसी तरह से स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का आप देख सकते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, मैन और वीमेन दोनों का दिया हुआ है। ओवरहेड बैक थ्रो में आप देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करेंगे तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ भी मैन और वीमेन का दिया हुआ है। और मैन का 3 kg मेडिसिन बॉल का वेट होगा और वीमेन का 2 kg मेडिसिन बॉल का वेट होगा, ये भी चीज यहाँ पर मेंशन है। इसी तरह से हम देखें अगर 1000 मीटर रन और वॉक टेस्ट की, तो इसमें भी टाइमिंग है कि कितने समय में करेंगे तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, मैन और वीमेन का अलग अलग टाइमिंग यहाँ भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स लाने हैं। ध्यान रखिएगा 60% मार्क्स आपके अगर चारों में आते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे रिटर्न टेस्ट को, या एस एस टी में 55% पे क्वालिफाई आप लोग कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब में 60 लाने हैं, ऐसा भी हो सकता है एक में आपके 80% आ जाएं, किसी में 50% ही आए, तो टोटल मिला करके 60% आ जाने चाहिए, चारों का ओवरऑल काउंट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट की भी डिटेल दे दी है, और यहां तक मैंने आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझा दिया है अगर आपको एलएनआईपी में बीपीएड में लेना है। मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट बचा हुआ है जिसके बारे में हमें फर्दर डिस्कस करना है। और एक आखिरी बात, जो लोग एलएनआईपी के बीपीएड के एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं या आईजेईपीएस के बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, इसी वीक के एंड में स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, वहां से आप कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।